बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मुहम्मद अरसलान रादरा यूट्यूब चैनल मुहम्मद अरसलान व्लॉग्स। गाइस हम माशाल्लाह से अपने घर आ गए हैं। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा हम मंडी वगैरह गए, हमने मंडी वगैरह के व्लॉग भी बनाए थे वहाँ पे। जब मंडी गए थे ना उसकी सुबह सुबह उठ के जाना था ना उसके लिए, उस टाइम मुझे थोड़ी ठंड लग गई, उसकी वजह से मेरी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने ना कोई आगे व्लॉग वगैरह नहीं बनाए थे फिर। इसलिए वो जब हम घर आए हैं उसकी वीडियो मैंने फुल नहीं बनाई, थोड़ा बहुत क्लिप बनाए थे वो मैं इसी में ऐड कर दूँगा। Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life। हम घर आए ना, बोले ना घर का काम वगैरह शुरू करवाए थे, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम वहाँ ध्यान किया करने गए थे और घर के हमने काम को शुरू करवाए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। और अपने घर के ना जो काम वगैरह थे वो सारे शुरू करवाए हैं, रंग शंग जो दरवाजे थे ना लकड़ी के वो पेंट शेट हो गए हैं, लेकिन जो रंग वगैरह वही शुरू हुआ है अब, वो आज से भाई शुरू कर देंगे। बेड वगैरह जो कमरे वगैरह थे ना वो सारे खाली कर दिए हमने। आपको अभी यहाँ के सारा कमरे वगैरह सारे दिखाता हूँ, सामान वगैरह कहाँ रखा हुआ सारा इधर उधर सामान किया हुआ, वो भी भाई थोड़ी देर में आ जाएंगे, वो अपना आके अपने काम शुरू कर देंगे। मैं आपको उसकी सारी सारी वीडियो साथ साथ शेयर करूँगा। और ये हैं जी हमारे रैबिट्स, इनकी ना सफाई वगैरह भी करनी है, देखिए कितना गंद मचा है इनमें। ये इनकी घास वगैरह तो देखें इसको क्या हो गया, इसके जो कान वगैरह थे वो काले हो गए फुल, इनके वाइट है ना इसके काले हो गया, पता नहीं इसको क्या हुआ। ये देखें आप दूर से कितना प्यारा लगता। बाकी ये रैबिट्स यहाँ फेर रहे हैं, उधर जो कबूतर वगैरह थे ना, कबूतर वगैरह जो रखे हैं ना वही मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी जो नीचे काम वगैरह हो रहा है ना उसी जाके आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। और हमने ना बेड वगैरह खोला था उसकी थोड़ी बहुत वीडियो ये रखे हमने ना जो पेच वगैरह थे ना वो सारे खोल लिए, इनके जो चार थे ये रखे सारे खोल कर ऊपर रखे हुए हैं। आपने इनके जो ये पाइप है ना ये जो पेच है ना इसको ऐसे करके निकाल लेंगे, फिर ये जो चीज़ है ये नीचे गिर जाएगी, पिछली बैक साइड रहता हो जाएगी फ्रंट साइड रहता, सिर्फ इसके ऊपर चीज़ें खड़ी होती है। अब फटाफट इसको भी निकाल लेते हैं, फिर ये बेड सारा साफ सुथरा कमरा हो जाएगा। देखे इधर से सारा सामान वगैरह एल ई डी शी डी सारा कुछ वो ए सी के ऊपर कवर वगैरह भी डाल दें, क्योंकि सर्दियाँ आ गई ना वैसे भी। अब ये बेड वगैरह निकालना, ये सारा सामान वगैरह जैसे ना कमरे का बेड वगैरह वो सारा निकल गया। और अब ये एक सिंगल बेड पड़ा हुआ है, इसको ना बाहर एक बेड पड़ा हुआ है उसी के ऊपर इसको उल्टा कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ सारा सामान जा कर रहा है। यहाँ पे जो गद्दे शद्दे थे ना वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो बाकी सामान था ये बेड पड़ा हुआ है जिसको मैं करते ना अंदर वाला बेड उल्टा करके आ जाएंगे। वो ये क्योंकि इस साइड को इधर करेंगे ना जैसे काटिंग होती है ये वाली, ये भी रगड़ाई करवाएंगे सबसे पहले, उसके बाद रंग शंग का काम शुरू होगा। देखें सारे दोनों कमरे के जो बेड वगैरह थे वो इधर आ गए, एक बेड अभी अंदर ही है, बाकी कुछ सामान ऊपर भी चला गया है। डाइनिंग टेबल का जो कुर्सी चुर्सी थी ना दो तीन नीचे हैं, बाकी सारी ऊपर चली गई हैं। अभी सारा घर इधर से उधर होगा। गाइस देखें सारा कमरा मैंने साफ कर लिया, नीचे ना थोड़ी बहुत मिट्टी थी वही मैंने साफ कर लिया, जहाँ पे जो नीचे हल्की मुल्की मिट्टी थी ना क्योंकि सफाई तो वही नहीं थी इतने दिनों से, इसलिए वो जो जगह थी ना वो भी मैंने सफाई कर लिया। अब मैं आपको ना पूरा घर दिखाता हूँ, पूरे घर का ख्याल हुआ। ये है जी फर्स्ट बेडरूम, इधर टन लेंगे, ये सेकंड बेडरूम है रखें, इधर ये बेड जो पड़ा होता है ना ये वाला मैं आपको कहता था, इसका समय भी ये जो ये है ना ये खोलने छोड़ने अभी, ये दीवान पड़ा हुआ है इसके ऊपर भी कपड़ा छपड़ा चाह दिया, और ये दरवाजे पेंट हुए हैं अभी ने रफ हुआ है सिर्फ, इसके ऊपर जो पक्का रंग होना वो करवाना है। ये गद्दे ये दो बेड जो अंदर वाले थे वो इधर आ गया, और इधर ये सोफे पड़े हुए हैं जैसे काटिंग रगड़ाई होनी है इसलिए उसकी जगह छोड़ के ना ये रखें, बाकी सारी जगह उस पे सामान वगैरह रखा हुआ, क्योंकि वो आ जाएंगे इसे काटने वगैरह वो रगड़ाई करेंगे, उसके बाद घर का रंग वगैरह शुरू हो जाएगा, बाद में फिर रगड़ाई वगैरह का काम शुरू होगा। उसके मुताबिक अभी चल रहे हैं, क्योंकि ये सोफे वगैरह फिर जब रगड़ाई हुई ना नीचे वाली ये वाली चीज़ फिर से सोफे निकालने पड़ेंगे, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए अभी हमने निकाले। बाकी आप देख लें सारे लोग बैठे होंगे कि मैंने इनकी तस्वीरें वगैरह भी खींच लेता हूँ, ये जो वाइट वाला ना फिर इसकी जब कलर वगैरह होगी ना फिर आपको आफ्टर बिफोर दिखाऊंगा कितनी अच्छी लगेंगी। ये गाइस वगैरह का वो रंग वाले जो भाई थे ना वो आ गए, अब उनके पास जा रहे हैं अभी,
उनसे पूछते हैं क्या सामान वगैरह लेना, फिर जाकर सामान वगैरह लेके आते हैं, फिर काम शुरू करवाते हैं उनसे। और दूसरे लड़ाई वाले भाई अभी तक नहीं है, 9 का टाइम हो रहा है अभी। गाय जब भी मैं जा रहा हूँ सामान वगैरह लेने, वो रंगड़ाई वाले भाई भी आ गए हैं, रंग वाले भाई भी आ गए, उन्होंने सामान वगैरह लिख दिया। मैं जो सामान वगैरह ना वो लेने जा रहा हूँ, वो सामान लेते हैं, फिर रक्षा वगैरह पर रखवा कर ना उसको घर ले जाएंगे। फिर मैं घर आ गया, बाइक पार्क कर दिया, घर में क्या हाल हो रहा है, सारा वो जो चूड़ने छूने वाला काम था ना वो शुरू किया हुआ, रगड़ाई का जो सैड वाली कचर मैंने रगड़ाई होनी है, बाकी रंग वगैरह भी आ गया जो पेज वगैरह किया। गाइस किचन वगैरह भी फाइनल कर गया, यार किचन का भी नीचे हो गया, लेकिन इसको अपना भी पॉलिश रह रही है, मैं आपको दोबारा बता दूँ, इसको अभी पॉलिश होगी। बाकी अब जो बैठक है उसका करने लगे हुए अभी। इसके बाद फिर गैराज पे आ जाएंगे, गैराज का थोड़ा सा काम है, एक कमरा रह जाएगा और एक वो पीछे रह रही है, मैं आपके पास दिखाता हूँ। इस वेल्टिनेशन का रह रहा है फिर काम, इसकी अभी कोई भी इसने रगड़ाई वगैरह नहीं की, बाकी सारा फैन काट दिया है। और रंग वाले भाई कह रहे हैं कि ये जाएंगे तो हम आएंगे, इसलिए वो रुके हैं, बाहर ही बैठे हैं। साथ वाले घर में भी काम हो रहा है ना, वो वहीं पे काम कर रहे हैं अभी। मैं बाजार गया था अभी, मैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह को लेके आया हूँ, क्योंकि ये सारा काम कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिशियन वगैरह भी अपना काम शुरू कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर आप जो झड़ी वगैरह काम रहे वो शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में। गाय जितनी मिट्टी उड़ रही है ना पूरे घर में, मैं तो खड़ा रह गया, मैं बाहर आ गया, सारा कमरा भर गया। गाय से अलग मिट्टी आ रही है, इधर से अलग आ रही है, बंदा जाए तो जाए किधर। और रंग वाले से बात कर रहे हैं क्योंकि वो इसीलिए नहीं आ रहे, मिट्टी का काम इतना हो रहा है, आके जब वो काम शुरू करेंगे सारा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा फिर दोबारा, इसलिए वो कह रहे हैं पहले इन सारों को निकालो फिर आएंगे। देख कितनी मिट्टी है अंदर। ये वाले भाई भी आके अभी अपना काम शुरू कर रहे हैं, रंग का जो काम था ना ये भी शुरू करने लगे हैं भाई, क्योंकि वो मिट्टी की वजह से रुके थे, लेकिन वो थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद ये वाला अपना काम जो है ना रंग वगैरह का ये शुरू कर रहे हैं। देखा डब्बा खोलने लगे हैं, फिर अपना ये काम शुरू कर देंगे अभी। वैसे वो जो वो वाला एग्जॉस्ट वाला सब काम था ना वो आप करने लगे हैं, ये बोर्ड वगैरह खोला हुआ है, वो जारी वगैरह जो थी ना वो कम्प्लीट कर लिया इन्हें। और जरा रंग वाले भी आ गए, ये भी अपना काम शुरू कर रहे हैं। अब जो झरी वाला काम था ना वो कर रहे हैं, उस साइड में जो गुजार ना आर पार हो गया। अब आ गया जी, जी। ये जी मैं जो काम कर रहे हैं ना भाई सारे, उनकी है जी चाय, या उन सारों को चाय देते हैं। हाँ मैंने ना यहाँ पे जो सेम वगैरह थे ना उस जगह पे सारा काम कर लिया है, जरा सामने प्राइमर वगैरह लग गया उसके ऊपर ना, बाल पट्टी लगेगी ये वाली, अब ये लगाने लग गया इसके ऊपर, रेग माल वगैरह फिर लगेगा इस पर। अब ये बाल पट्टी वगैरह जो है ना वो लगाने लग गया है इसके ऊपर। अभी पंखा ऊपर से लेके आए, ये यहाँ पे चेंज करवा रहे हैं इन दोनों को, ये ऊपर लगा हुआ था ये उधर लगे हुए वो वाला इधर। गाइस कुछ इतना काम हो गया है, ये रखें साइड में भी हो गया, ये भी हो गया,
और एसी का जो यहाँ वाला बोर्ड था ना, ये यहाँ पे था, ये भी ऊपर हो गया। वो एलईडी वगैरह का भी तो सारा काम था, वो भी हो गया। भाई वगैरह ने रोटी वगैरह भी खा लिया, अब चाय वगैरह मैं लेके आया। चलो चाय पी के बाकी फिर अपना काम आगे करेंगे। इधर से झरी वगैरह वाला काम था, ये भी हो गया। इधर से ना एक ये रखे, मैं उतार के दिखाता हूँ, अगर उतरता तो ये रखें, ये उधर कर दिया ताकि ना वो आसानी हो, ताकि कल को कोई नेट वगैरह की तार जो ये वाली है ना, उधर भी करने ताकि आसानी हो। अब ये सारा फाइनल कर गया हम भाई। जैसे जैसे भाई काम करते जाएंगे आपको जैसे करते रहेंगे क्या क्या काम हो रहा। बाकी जो रंग वगैरह का हिसाब वगैरह है ना, वो मैं आपको ना किसी दिन, जिस दिन ये मुकम्मल हो गया ना, उस दिन फिर आपको इसका मुकम्मल रिव्यू दूंगा कि कितना मैं रंग हुआ पूरा घर को। भाई जो माशाल्लाह से भाई वगैरह अपना काम कंप्लीट करके ना अपने घर चले गए, 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। मैंने उनको कहा था ओवर टाइम कर लो, कहते नहीं ऐसा नहीं होता। ये रखो अभी है ना, ये जो है ये नया किया, ऊपर वाला पुराना है। ये साफ देखा ना, दूर से नज़र आता है, इस साइड में भी ऐसे और इस साइड में भी। और ये बोर्ड भी कितना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है, पहले यहाँ पर था अब यहाँ आ गया। बाकी मैं आपको दूसरे दीजिए कहा भी देखा कितना अच्छा बड़ा, मैं दूसरे कमरे में आपको लेकर चलता हूँ, उधर का भी ऐसे ही है। इधर ज़्यादा गंद है क्योंकि इस जगह पर ना ये वाली चीज़ झरी वगैरह मरवानी थी, ये वाली जगह साफ़ करवाई है। इधर भी ऐसे है लेकिन इधर ना, ये इधर भी उतना ही काम करके जितना उस कमरे में है ना, उतना इस कमरे में। लेकिन एक गंद देखे आप कितना बचा के गए हैं। ये जो जैसे काटिंग वगैरह साफ़ करवाया ना, ये सैर नीचे वाली, इसकी वजह से ज़्यादा गंद बचा। बाकी आप छुट्टी करके हैं, आप कल आएँगे इंशाल्लाह कल। बाकी जो अगली वीडियो होगी ना, ये वो शुरू करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, मैंने आपको कहा था ना, ये वाला एग्जॉस्ट फैन, ये मतलब एक बटन पर चलता है। फिर ये रखा, वो कहते हैं इसके एग्जॉस्ट फैन के साथ ना बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन चलता है इस बटन पे। उसने कहा था इसका और उसका एग्जॉस्ट फैन का बटन नहीं कर दिया हमने, कहा नहीं। आप उसने ये रखना, ये वाली लाइट का बटन इसके ऊपर कर दिया, ये लाइट जो है ना इसके ऊपर चलती है। ये रखें और एग्जॉस्ट फैन का बटन उस जगह पर कर दिया जहाँ पहले था। माशाल्लाह से सारा काम अच्छा हो गया। यही पे करते हैं इस वीडियो का, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में खड़ा हुआ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। फिर भी लेंगे एक नई वीडियो साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। Stop what's moving.